अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों और मेरी मां बहनों, चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए, हार जीत अल्लाह सुभान व तआला के हाथ में है। जो अल्लाह सुभान व तआला का फैसला है हम सबको मंजूर है। अगर मैं दीपाई कल्ला की आवाम का तय दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भरोसा किया, हम पर विश्वास जताया और जो 2014 के चुनाव में हमको 23,000 वोट मिले थे उसको बढ़ाकर इस चुनाव में हमको 31,000 वोट मिले। आपने खूब मोहब्बत से नवाजा, दुआओं से नवाजा, हम इंशाल्लाह ताला पूरी तरह काम करेंगे। पहले जिस स्पीड में करते थे उससे ज्यादा स्पीड में काम करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर सदीक ओवैसी साहब का, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, मुझे यहाँ से टिकट दी और हम लड़े। चुनाव है, हार जीत होती है। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम हैदराबाद की जो हमारी टीम आई थी, जिन्होंने रात दिन यहाँ पर मेहनत की, मलाला साहब, तैयब भाई और हमारे कॉर्पोरेटर्स जो थे, फयाज अहमद खान साहब का, मुबीन साहब का, फिरोज भाई का और तमाम लोग जो रात दिन दोस्त बुजुर्ग मेरे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहे, लड़े, मेहनत की, कोशिश की कि सीट निकले, जीते, उन तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम काम करेंगे, आगे संगठन को मजबूत करेंगे और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, लोगों के साथ काम करेंगे, आपके साथ की बहुत जरूरत है। ऐसे मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिन फिरका परस्त ताकतों से मैं लड़ता था, हमारी लड़ाई होती थी, लड़ाई अब कम नहीं होगी और बढ़ेगी। मैं जो आपकी आवाज बन के लड़ता था, इंशाल्लाह ताला मैं लड़ता था, लड़ता हूं और इंशाल्लाह लड़ता रहूंगा। जिन फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी, लड़ूंगा। आपसे उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरा साथ दे, मिलकर लड़ेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे। मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम महाराष्ट्र में जो चुनाव लड़े, जो जीते उनको कांग्रेचुलेशन ऑफ द बेस्ट। फिर से एक मरतबा आप तमाम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साथ मिलकर रहेंगे, साथ में काम करेंगे, हमने काम शुरू कर दिया, पीछे नहीं हटेंगे। आप मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।